सदा सुखी, जिसके जिसके जीवन में संतोष है ना कि हाँ जितना है उतना काफी है, वही सुखी है। और जो ज्यादा बढ़ाने में लगा रहता ना, ये कर लूँ वो कर लूँ, इधर का लिया उधर का लिया, वो व्यक्ति इधर उधर की भाग दौड़ में ही दुखी रह जाता है। इसलिए सुदामा जी के पास में संतोष नाम का धन था। सुदामा जी सोचते कोई बात नहीं, जितना है। सुदामा जी को अगर कहीं से एक एक अन्न का दाना भी मिलता था ना, एक दाना, तो उस दाने को भी तोड़कर आधा कृष्ण को खिलाते थे, आधा कृष्ण को चढ़ाते थे और आधा स्वयं खाते थे सुदामा। ऐसे थे सुदामा महाराज। लेकिन एक दिन पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी हम ना भोजन करें तो चल जाएगा, लेकिन बच्चों ने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है, स्वामी बच्चे मर जाएंगे, कितने दिनों तक पानी पी पी कर जीवन निकालेंगे, कितने दिनों तक पानी पी कर रहेंगे, इसलिए आप अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास जाइए। सुदामा ने कहा, मर जाऊंगा पर मेरे मित्र से मांगने नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगने नहीं जाऊंगा। तो सुदामा से कहा, तो मिलने चले जाइए क्यों, क्योंकि सुदामा की पत्नी सुशीला को याद है कि उसके दरबार में बिन मांगे मोती मिले, उसके दरबार में बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, तो आप मिलने चले जाइए। सुदामा की पत्नी सुशीला गई, गांव से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और लाकर सुदामा जी को दिए। सुदामा जी जाने लगे, मार्ग में नदी पड़ी, सुदामा जी माथा पकड़ सिर पकड़ कर बैठ गए, अब कैसे पार करूं नदी, अब नदी कैसे पार करूंगा। लेकिन मैं हर हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिसकी नैया शाम संभाले उसको कौन डुबाए, उसको कौन डुबा सकता है जिसकी नैया भगवान संभालते। तुरंत भगवान केवट के रूप में आए और केवट बनकर आकर सुदामा से कहा, बैठो सुदामा नाव में बैठो। नाव में जैसे बैठने लगे बोले उतरा ही देनी पड़ेगी, तो सुदामा जी जितनी जल्दी बैठे नहीं उतनी जल्दी उतर गए। कहने लगे, उतरा ही होती तो मैं ऐसे नंगे पैर क्यों जाता, जंगल से क्यों जाता, रास्ते से जाता, जंगल के रास्ते से क्यों जाता। भगवान कहते, तेरे पास कुछ तो होगा। बोले एक चीज है। बोले क्या? बोले दरिद्रता, जिसे कोई नहीं लेता। भगवान कहते हैं, सुदामा जिसे कोई नहीं लेता उसे मैं लेता हूं। आज तू अपनी सारी दरिद्रता मेरे नाम कर दे। मैं अक्सर कथा में कहती हूँ कि हमारे श्री ठाकुर जी इतने दयालु है कि भक्त की पीड़ा खुद ले लेते हैं। तू तेरी पीड़ा मुझे दे दे तू खुश रहे। लेकिन दुर्भाग्य दुनिया वालों का कि फिर भी लोगों को ना दुख देने वाले ही पसंद आते हैं, फिर भी लोगों को दुनिया वाले ही पसंद आते हैं, भगवान नहीं पसंद आते। दुनिया को कांटे चुभाने वाले पसंद आते हैं, कांटे निकालने वाला पसंद नहीं आता। भगवान कहते, सुदामा तू तेरी दरिद्रता मुझे दे दे। सुदामा नाव में बैठे, हरे कृष्णा गाते गाते द्वारिका पहुंच गए, द्वारिका उतरे। सुदामा कृष्ण के महल की ओर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्ण मेरा मित्र है, उससे मिलने जा रहा हूँ। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता आप कुछ क्षण रुकिए, अभी हमारे स्वामी विश्राम कर रहे हैं। बोले नहीं अभी मिलना है। तो एक द्वारपाल गया और जाकर कहता है, स्वामी कोई आया है गरीब दरिद्र साहब से मिलना चाहता है, कौन है कैसा है? कहते हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपासन की नहीं सामा। धोती फटी हुई है, बड़ा अद्भुत सा दिखता है। बोले अच्छा, नाम क्या है? तो जैसे कहा, नाम अपना
सुदामा बताता है। और जैसे सुदामा नाम कृष्ण ने सुना तो दौड़ कर गए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। कृष्ण को क्या होगा, द्वारिकाधीश को क्या हो गया, नंगे पैर दौड़ गए। सुदामा को हृदय से लगाया, महल में लेकर आए, सुदामा के पैरों को देखा, रुक्मणी जी से कहा जल लेकर आओ। लेकिन रुक्मणी जी जल लेकर आती, उससे पहले तो जैसे ही सुदामा के पैरों को कन्हैया ने देखा, इतना रोए भगवान, इतना रोए, इतना रोए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान स्वयं की पीड़ा से इतने दुखी नहीं होते जितने भगवान अपने भक्त की पीड़ा से होते हैं। महाराज देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निनन के जल सो पग धोए। अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया भगवान ने। रुक्मणी जी देखती है, पटरानियां देखती, बोले ये कौन है ऐसा जिसके लिए भगवान इतना रो रहे। सुदामा को नए वस्त्र दिए, दूध से स्नान कराया, चर्चाएं होने लगी, विवाह की चर्चा हुई, विवाह हो गया, दोनों ने बताया विवाह हो गए। उसी समय सुदामा से पूछा, विवाह हो गया तो फिर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा होगा, खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। सुदामा सोच रहे, इतना बड़ा वैभव, इतना वैभव श्री ठाकुर का, और छोटी सी तंदुल की पोटली कैसे दिखाऊं सामने। सुदामा तंदुल की पोटली को छिपाने लगे, उसी समय भगवान ने तंदुलों की पोटली को छीना। बड़े भाव से खा रहे हैं तंदुलों को। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक मुट्ठी में एक लोक, सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे। एक एक हर एक दाने का मोल अगर देने लगे भगवान, तो रह जाएगा सृष्टि में केवल एक ही धनवान। अगर एक एक दाने का मोल देने लगे तो भगवान तंदुलों को खाने लगे। और क्या क्या दिया, पहली मुट्ठी खाते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी खाते ही
पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में तेरा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में तेरा कैसा दानी ये मेरा पिया है। रुक्मणी जी कह रही है प्रभु सब कुछ दे दिया लेकिन अपना निवास वैकुंठ भी दे रहे हो। भगवान कहते हैं रुक्मणी जब मैं भक्त पर कृपा करता हूँ ना तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या बचेगा। बस मैं जब कृपा करता हूँ ना तो अपना सर्वस्व भक्त को दे देता हूँ। आज मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरा क्या होगा। हे लक्ष्मी अगर आज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस द्वारिका की गद्दी पर सुदामा को बिठा दूँ और सुदामा की जगह मैं दर दर भिक्षा मांगने के लिए चला जाऊँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सोचिए जरा क्या इनके जैसा दयालु इस दुनिया में कहीं मिलेगा। हाथ में दीपक तो क्या पूरी मसाल लेकर भी घूम लोगे ना तो भी मेरे ठाकुर जैसा दयालु आपको नहीं मिलेगा। जो भक्त के लिए जो चाहे सो करने को तैयार हो जाते हैं बस भक्त को हमेशा प्रथम रखते हैं। इतने दयालु इतने दयालु। इसीलिए तो हम कहते हैं ना लुटाने वाला तुम सा कैसा ऐसी कृपा लुटाने वाला तुझ सा कोई और सबको लगाने वाला तुम सा कोई और नहीं। गले सबको लगाने वाला तुम सा तुम सा कोई और नहीं। ऐसी
जैसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। सुदामा पर कृपा की भगवान ने सुदामा जी भगवान को प्रणाम करके पुनः अपने वृंदापुरी ग्राम में वापस आए। वापस भगवान आए आकर देखा ग्राम पूरा बदल चुका था। सुदामा की पत्नी मंदिर में बैठे इंतजार कर रही थी कि मेरे स्वामी आएंगे तो उन्हीं के साथ भीतर जाऊंगी। गए भगवान, भगवान ने सुदामा ने सब कुछ लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं लूंगा। क्यों? बोले प्रभु ये सब आ जाएगा तो आपका स्मरण चला जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा सुदामा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहेगी। तब जाकर सुदामा ने स्वीकार किया लेकिन भजन नहीं छोड़ा।